वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन. कैसे हो आप सब, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आज फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. मे गॉडेस दुर्गा फुलफिल ऑल योर विशेस, और ये होली वीक आप लोगों के लिए बहुत बहुत मंगलमय रहे, मेरी कामना यही रहेगी गॉडेस दुर्गा से. तो बस अभी मैंने पूजा कर ली है और अब मैं अपना कुछ खाना बनाऊंगी. मैं फास्ट करती हूँ फॉर ऑल 9 days. हम नवमी करते हैं तो जितने भी फास्ट होते हैं मैं सारे करती हूँ, बट अंशुल और ऑब्वियसली अनिरुद्ध तो बहुत छोटा है तो वो लोग फास्टिंग पे नहीं रहते हैं, तो बस उन लोगों का ब्रेकफास्ट बन चुका है. और अंशुल की आज कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो वो जा चुके हैं, और हम दोनों ने साथ में मिलके पूजा की है. इसको मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है और अभी मैं अपने लिए कुछ जाके शेक वगैरह बनाती हूँ. से हाय, क्या खा रहे हो आप? बदम. बदम खा रहे हो? आप च्यू तो करते नहीं हो. से हाय. हाय. जय माता दी बोलो. जय माता दी. गुड जॉब. तो अभी मैं अपने लिए मैंगो शेक बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने हाफ फ्रोजन मैंगो लिया है. इसके अंदर मैं फ्रोजन मिल्क क्यूब्स ऐड करूँगी, इससे मिल्क शेक की कंसिस्टेंसी बहुत ही क्रीमी हो जाती है और मिल्क शेक बहुत ही टेस्टी बनता है. तो सबसे पहले बस मैं मैंगो और मिल्क क्यूब्स को ब्लेंड कर लूँगी एक बार. उसके बाद मैं इसमें देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है. इसके बाद अब इसमें मैं मिल्क ऐड करूंगी और इसे एक बार फिर से ब्लेंड कर लूंगी. मैंने इसमें कोई भी शुगर ऐड नहीं की है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हेल्दी भी रहता है. अगर आप चाहते हो तो इसमें हनी वगैरह भी ऐड कर सकते हो. और ये मिल्क शेक मुझे आराम से 1 बजे तक फिल्ड रखेगा. इसमें मैं थोड़े से आलमंड्स डाल के लेती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में. और बस मैंने ब्रेकफास्ट का काम ख़त्म ही किया था, इतने में अंशुल आ गए और अनिरुद्ध करने लगा कि उसे ट्रक चाहिए. तो अभी हम लोग वॉलमार्ट जा रहे हैं उसको ट्रक दिलाने. और आज मैं ड्राइव कर रही थी तो सोचा थोड़ा सा शूट करूं, आप लोगों को दिखाऊं कि मैं किस तरीके से ड्राइव करती हूं. अब मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है, मैं मेन रोड्स में निकालने लगी हूं कार. बट अभी थोड़ा सा हिच है, तो अंशुल जब साथ रहते हैं तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है. और पार्किंग में कार अभी लगाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है. दो यहाँ पे पार्किंग्स काफ़ी ज़्यादा ओपन रहती हैं, स्पेस काफ़ी रहती है, बट स्टिल अभी मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है पार्किंग में. और अभी हम लोग आ गए हैं टॉयज सेक्शन. अनिरुद्ध को हर वॉलमार्ट का, यहाँ पे जितने भी 2-3 वॉलमार्ट पे हम जाते हैं, सबके टॉयज सेक्शन पता है और वो दौड़ा दौड़ा यहाँ आ जाता है. और उसने ये एक कैरिंग केस ट्रक लिया है और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था इस ट्रक को लेके, पूरे रास्ते चिल्लाता हुआ आया था कि उसको अनओपन, उसको ओपन करो, ओपन करो. घर आते ही उसके डैडी ने अनबॉक्स कर दिया है और वो खेल रहा है अपने ट्रक के साथ. तो सोचा थोड़ी क्लिप उसकी लूँ, आपको दिखाऊँ कि वो कितने अच्छे से अपनी कार्स को इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर रहा है. तो चलिए अभी उसे खेलने देते हैं, हम लोग चलते हैं किचन में लंच की प्रिपरेशन करने. आज लंच में सभी के लिए साबुदाने की खिचड़ी बन रही है. मेरे घर में सभी को ये बहुत पसंद है, तो किसी ने व्रत किया हो ना किया हो सभी के लिए बन जाती है. और साबुदाने की खिचड़ी के साथ मैं बनाऊंगी हरी चटनी, तो सबसे पहले वही बना रही हूँ. मैंने 1 inch जिंजर पीस लिया है, उसमें 1 टमाटर ऐड कर दिया है, ग्रीन चिलीज ऐड कर दी हैं. उसके बाद मैं इसमें अराउंड 2 tablespoons ग्रेटेड कोकोनट पाउडर ऐड कर रही हूँ. इससे हरी चटनी बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी भी बहुत लगती है. उसके बाद इसमें मैंने सेंधा नमक और थोड़ा सा दही ऐड किया है, और एक बार मैंने इसको पल्स कर लिया है. और अब इसके अंदर मैं 1 bunch कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर दूंगी और फिर से इसे एक बार पल्स कर लूंगी और मेरी धनिया की चटनी बनके एकदम रेडी हो जाएगी. ऊपर से थोड़ा सा नींबू आप ऐड कर लें अगर आपको खट्टी चटनी पसंद है तो. और देखिए मेरी तीखी चटनी बनके एकदम रेडी हो गई है. ये बहुत अच्छी लगती है व्रत में खाने में. और यहाँ पे देखिए साबुदाना मैंने मॉर्निंग में सोक करके रख दिया था अराउंड 4 hours पहले, तो ये भी अच्छे से फूल चुका है. इसे मैं अभी स्ट्रेनर में डाल दूंगी जिससे कि इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए. और यहाँ पे थोड़ी जो सब्जियाँ इसके अंदर मैं डालूंगी वो भी चॉप कर ली हैं. तो मैं स्ट्रेनर में ही इसको गार्निश कर लेती हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक के साथ, जिससे कि मुझे पैन में बहुत ज़्यादा सॉल्ट वगैरह ऐड करके इसको ज़्यादा चलाना ना पड़े. अदरवाइज़ साबुदाना बहुत ज़्यादा क्रैक हो जाता है, चिपका चिपका बनता है, इसीलिए मैं इसको इसी तरीके से बनाती हूँ. सभी लोगों का अपना अपना तरीका होता है बनाने का, बट मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है पोहा बनाने का भी और साबुदाने की खिचड़ी बनाने का भी.
तो पैन में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है, उसके अंदर पीनट्स डाल दिए हैं, ग्रीन चिलीज डाल दी हैं, उसके बाद मैंने एक बॉइल्ड पोटैटो ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा मैं 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैंने एक टमेटो भी ऐड कर दिया है और ऊपर से थोड़ा सा सेंधा नमक मैं ऐड करूँगी। नमक मैं ऑलरेडी साबुदाना में भी ऐड कर चुकी हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ही डाला है। और 2 से 3 मिनट टॉस करने के बाद इसमें मैं अब साबुदाना भी ऐड कर दूँगी। तो साबुदाना ऐड करने के बाद आप बहुत ही हल्के हाथ से साबुदाने को चलाएं, अदरवाइज़ आपकी खिचड़ी एकदम हलवा बन जाएगी। साबुदाना बहुत ज़्यादा जल्दी क्रैक कर जाता है, तो मैं बहुत ही हल्के हाथ से बस थोड़ा सा ही इसे मिक्स करूँगी और फिर इसे कवर करके 7 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये आराम से अपना स्टीम में पकता रहेगा। तो देखिए खिचड़ी मेरी एकदम बनके रेडी हो गई है। ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती गार्निश करके इसको सर्व करूंगी। सबसे पहले भोग लगाऊंगी, फिर खाएंगे हम। फास्ट का खाने के बाद आई वाज सो ड्राउजी, हम लोग सब एकदम खाना खाके सो गए थे एट अराउंड 2:30 और मैं आज पूरा 2 घंटा सोई हूँ दोपहर को। तो मैं 4:30 के अराउंड उठी थी और अभी 5 बजे और इस टाइम तक सबको भूख लग जाती है, तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ बनाती हूँ। पीछे से अनिरुद्ध बोल रहा है, वो अभी जस्ट उठ के आया है। तो अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए वाटरमेलन लस्सी, सबके लिए नहीं एक्चुअली, मेरा पीने का अभी मन नहीं है, मैं ग्रीन टी पीऊंगी। और अनिरुद्ध और साहब के लिए वाटरमेलन लस्सी बन रही है, तो यहाँ पे मैंने वाटरमेलन जूस निकाल लिया था। बस थोड़ा सा जूस निकालने के बाद मैं दही इसके अंदर डाल के एक बार इसको फिर से ग्राइंड कर लेती हूँ। और कभी कभी वाटरमेलन जब मीठा नहीं होता तो थोड़ी सी चीनी या हनी ऐड कर देती हूँ, बट आज वाटरमेलन काफी मीठा है तो इसलिए मैंने कोई चीनी वगैरह ऐड नहीं करी, बस सिंपली मैं इसको इस तरीके से ग्राइंड करके मैं सर्व कर दूंगी। बहुत अच्छी लगती है, अगर आपके घर में कोई गर्मियों में गेस्ट आ जाए तो आप जरूर इसे ट्राई करें। क्विक भी है और अच्छी भी बहुत लगती है देखने में। अगर आप मेरे ब्लॉग्स लास्ट समर से देखे हो आप जानते होंगे आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस लस्सी। वाओ, गोविंद पीता है? यस। डू यू लाइक इट? यस। ओके, मामा विल गिव यू यगरी यगरी गोगट सुखने। तो दोनों की लस्सी रेडी हो गई है। तो अभी मैं किचन में आई हूँ डिनर बनाने के लिए और आज मेरे किचन में काफ़ी सारे डब्बे खाली हो गए हैं, तो सोचा सबसे पहले इन्हीं को ही रिफ़िल करती हूँ। आटे का डब्बा कल ख़त्म हो गया था तो उसको मैंने अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है और अभी मैं उसे रिफ़िल करूँगी। और मैं ये सुजाता गोल्ड आटा यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा आटा है ओवर आशीर्वाद आटा। मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था, पहले मैं भी आशीर्वाद यूज़ करती थी बट इसकी चपाती बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो अगर आप US में रहते हैं और आशीर्वाद आटा यूज़ करते हैं तो आई वुड से कि आप एक बार ज़रूर सुजाता गोल्ड आटा को ट्राई दीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा ये आटा। तो ये मेरा डब्बा है जिसमें 5 LBs आटा एक बारी में आ जाता है और बाकी बचा हुआ जो 5 LBs है वो मैं इस तरीके से क्लिप लगा के इस पैकेट को वापस पैंट्री में ही रख दूंगी। और आज डिनर में मैं बहुत ही सिंपल सूखे आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आलू तो मेरे पास बॉयल्ड रखा ही था, अभी मैं जिंजर जूलियंस कर रही हूँ और ग्रीन चिलीज़ वगैरह चॉप करूँगी। और ये सब्ज़ी बहुत ही सिंपल है, अनिरुद्ध को आलू का पराठा बहुत पसंद है तो मैं अक्सर ये सब्ज़ी बना लेती हूँ और इसको मैश करके उसके पराठे में डाल देती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है पराठा भी। और नवरात्रि में बहुत कुकिंग होती है, एक टाइम आप व्रत का खाना बनाते हो, एक टाइम आप बिना व्रत का खाना बनाते हो, तो ऐसा लगता है कि किचन में आप बहुत सारी कुकिंग कर रहे हो। अदरवाइज़ तो आपको पता ही है कि अगर लंच में कुछ खाना बन रहा है तो वो डिनर तक चल जाता है, या अगर डिनर में बन रहा है तो वो नेक्स्ट डे लंच तक चल जाता है, इस तरीके से चलता है। बट नवरात्रों में आपको काफ़ी सारी कुकिंग करनी पड़ती है। और देखिए अभी आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए बस मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसके अंदर हींग जीरा थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड कर देती हूँ मैं गरम तेल में ही, जिससे कि जो कलर आता है ह्यू आता है ब्राउनिश कलर का सब्ज़ी में वो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने इसमें जिंजर एंड ग्रीन चिलीज डाल दी हैं, उसके बाद थोड़ा सा पीस ऐड कर दिया है और आलू ऐड कर दिया है। और इस सब्ज़ी में मैं थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दूँगी और फिर सब्ज़ी मसाला ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पे किचन किंग मसाला नहीं यूज़ कर रही क्योंकि आप ही लोगों ने मुझे बताया था कि उसमें ड्राइड अनियन पाउडर होता है, तो अभी आजकल नवरात्रि में मैं उसे नहीं यूज़ कर रही हूँ।
और ये सब्ज़ी मसाला होममेड सब्ज़ी मसाला है, ये मेरी मम्मी इंडिया से बनाकर लेकर आई थी, तो इसमें कोई अनियन पाउडर वगैरह नहीं है। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। बस इसे थोड़ा सा मिक्स करके मैं लो फ्लेम पे इसे कुक होने दूंगी फॉर 15-20 मिनट्स। ये सब्ज़ी सिकी सिकी जब बनती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और जैसे कि मैंने आज बताया कि मेरे बहुत सारे डब्बे ख़त्म हो गए हैं, खाली हो गए हैं किचन में, तो उन्हीं को मैं रिफ़िल करने का काम कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपनी ग्रोसरीज़ को प्लान करती हूँ, जो भी अभी सामान ख़त्म हो जाएगा उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बना लूँगी, और जब भी हम एशियन सुपरमार्केट जाएंगे वहाँ से सब सामान मैं बल्क में ले आऊँगी, तो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। और इसी तरीके से जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उन पे आप अपना कंट्रोल पा सकते हो। आई वुड से इंडियन स्टोर से अगर आप ये सारा सामान लेते हो तो छोटी पैकिंग में मिलता है और थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि एशियन सुपरमार्केट से मैं ये सारा सामान लूँ। और आज का शाम का मेरा मिशन है कि मैं अपने जो विंटर क्लोथिंग है वो सारी अंदर रख दूँ और समर क्लोथिंग जो है वो सब बाहर निकाल दूँ। तो मैं अपने सारे कपड़े जो हैं सूट केसेस में रखती हूँ, और सूट केस अभी मैंने स्टोर में से निकाले हैं तो काफ़ी धूल जमी हुई है इन पे, तो अभी मैं वही वाइप कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं जो है कपड़े निकालना शुरू करूँगी। आज शाम को जो भी बाकी का डिनर का काम है वो अंशुल देखेंगे, जैसे कि पराठा वगैरह बनाना, अनिरुद्ध को खिलाना, तो वो सब वो देख रहे हैं। बट आज मेरा मिशन है कि कपड़ों को मुझे सही करना है। काफ़ी दिन से ये काम पेंडिंग चल रहा है, प्रोकेस्टिनेट करे जा रही थी मैं कि आज करूँगी कल करूँगी, बट आज सोचा कि आज कर ही देती हूँ क्योंकि गर्मी काफ़ी हो गई है और हमारे घर में एक ही क्लॉसेट है, उसमें भी लिमिटेड स्पेस है, तो सर्दियों के कपड़े और गर्मियों के कपड़े एक साथ अगर निकल जाएं और रखे जाएं वो तो होगा नहीं, इसीलिए सोचा कि इसको इंटरचेंज कर देती हूँ। और अनिरुद्ध भी मुझसे पूछ रहा है कि मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं एरोप्लेन में बैठ के, क्योंकि उसको लगता है कि जैसे सूटकेस निकले हैं हम कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने। बट आई सेड बेटा कहीं घूमने नहीं जा रहे, मम्मा कपड़े लगा रही है। तो देखिए मैंने एक सूटकेस में हाफ साइड सारे अपने और हाफ साइड अंशुल के कपड़े रखे हैं। मैं बहुत प्लान्ड तरीके से कपड़ों को रखती हूँ, जैसे कि मुझे पता है कि सूटकेस में हमारे सारे घर के कपड़े रखे हैं, और जब मैं सूटकेस पूरे अच्छे से बंद कर दूंगी तो उनको लेबल भी कर दूंगी मेंशनिंग कि मैंने किस सूटकेस में क्या क्या सामान रखा है। तो जब आप ओपन करेंगे अपना सूटकेस तो आपको पता रहेगा कि कौन से सूटकेस में आपको क्या सामान मिलेगा, तो आप अकॉर्डिंगली अपना सूटकेस जो है खोल सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं विंटर क्लोथिंग रखती हूँ, और इसी तरीके से जब मैं इंटरचेंज करूँगी तो समर क्लोथिंग वापस रखूँगी। और साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी नैप्थलीन बॉल्स भी डाल दी हैं गर्म कपड़ों में, इस तरीके से कीड़े नहीं लगते। और जब भी आप गर्म कपड़े पैक करते हैं तो मेक श्योर करें कि आप उन्हें वॉश करके ही रखें और थोड़ा सा धूप वगैरह लगा लें। तो मैंने धूप वगैरह लगा के ही रख लिए हैं कपड़े 2-3 दिन पहले, और मैं उन्हें सूटकेस में नहीं रख पाई थी, बट आज मैं रख रही हूँ। और आप ये क्लिप्स बैक टू बैक देख रहे हैं, बट ट्रस्ट मी मुझे काम करते हुए 2 घंटे हो गए हैं। काफ़ी काम फैल जाता है जब आप इस तरीके से कपड़े इंटरचेंज करते हो। अभी मेरा पूरा बेडरूम भी फैला हुआ है, समर क्लोथिंग जो निकाली है सूटकेस में से अभी वो भी क्लॉसेट में वापस लगानी है। तो देखिए इस सूटकेस में मैंने अनिरुद्ध के कपड़े रख दिए हैं और अपना एक ब्लैंकेट पैक कर दिया है, और अब मैं अपने सूटकेस को लेबल करके रखूँगी जिससे कि समर्स में जब मैं इन सूटकेस को खोलूँ तो मुझे पता रहे कि किस सूटकेस में से मुझे क्या मिलेगा। तो यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप नए आए हैं। तो फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।